नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आजकल कंतारा नामक एक फिल्म की बड़ी चर्चा है और उससे भी अधिक उत्सुकता उस फिल्म में दिखाए गए देवता पंजुर्ली देव के बारे में है। पंजुर्ली देव की उपासना दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहाँ इनकी दंत कथाएं बड़ी प्रचलित है, किंतु देश के अन्य हिस्सों में उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। पंजुर्ली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द पंजीदा कुडले का अपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वराह, या कुछ कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह ही हैं। तुलु बाहुल्य इलाकों में, जिन्हें तुलु नाडु भी कहा जाता है, पंजुर्ली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा, तो उस समय जंगली सुअर अर्थात वराह अपने पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई दैवीय शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुर्ली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया, ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करें। तब से ही पंजुर्ली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुर्ली देव की पूजा करते समय लोग बरने कोरपन नामक एक प्रथा करते हैं, जहां वे देवता को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के दो टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुर्ली देवता के सामने रखा जाता है। इसके बाद पंजुर्ली देव के समक्ष एक बेहद ही प्राचीन नृत्य किया जाता है, जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की भांति ही और कई प्रकार के नृत्य होते हैं। यह नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है, तब लोग उस अन्न को पंजुर्ली देव को समर्पित करते हैं। यह एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वह अकेला भूख प्यास से तड़पने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए आई। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा, तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसे कैलाश लेकर आ गई और वहां अपने पुत्र की भांति ही उसका पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दाढ़ अर्थात दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा, तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला, तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने को कहा और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वह वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना आरंभ कर दिया। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह के रूप में ही दिखाया जाता है, किंतु कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी एक बहन भी मानी गई है, जिसका नाम कल्लूर्ती है। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मैंगलोर के बंतवाल तालुका में है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर कल्लूर्ती पंजुर्ली देव से मिलती है और इन दोनों की पूजा भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक साथ कल्लूर्ती पंजुर्ली देव के नाम से पूजा जाता है। तुलुनाडु में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो इन कल्लूर्ती पंजुर्ली देव की पूजा ना करता हो। कल्लूर्ती पंजुर्ली को सभी लोग अपने परिवार के मुखिया के रूप में मानते हैं। परिवार में कैसी भी समस्या हो, उसे इन दोनों के समक्ष लाना होता है और वे दोनों ही समस्या का हल बताते हैं। हल कैसा भी हो, परिवार के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि समस्या का हल ढूंढने में सुझाव कल्लूर्ती माँ देती है और अंतिम निर्णय पंजुर्ली देव का होता है। पंजुर्ली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिगा का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में कंकड़ था, जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नेनाउल्ला संके के गर्भ में भेज दिया। 9 माह के पश्चात गुलिगा देव ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। उसकी माता ने कहा कि जिस मार्ग से सभी संतान आती है, उसी मार्ग से आ जाओ,
पर गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता के उदर को फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे, इसीलिए कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्यदेव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियाँ खाई और जानवरों का खून भी पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। गुलिगा देव को शिवगणों में से भी एक माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली देव और गुलिगा देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुर्ली देव और गुलिगा देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुर्ली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिगा देव उग्र स्वभाव के, किंतु फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे दैवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ दैवा नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है और ऐसी मान्यता है कि जहां भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा अर्थात भूत प्रवेश करते हैं, वहीं नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं का जब प्रभाव होता है तो उसे दैवा नेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है वो अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सके। पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के अतिरिक्त भी कई अन्य देवों और देवियों का वर्णन आता है। उसमें से प्रमुख हैं कल्लूर्ति, ब्रह्मेरु, कोडमनितया, कुक्किनतया, जुमाड़ी, सरला जुमाड़ी, पंच जुमाड़ी, लिक्केसिरी, कुप्पे पंजुर्ली, रक्त पंजुर्ली, जरनदया, उड़नडरैया, होसा देवता, देवनजीरी, कालकुड़ा, तुक्का तेरी, बब्बरिया, नीचा, दुग्गलाया, महिसनदया, वर्ते, कोरा गज्जा, चामुंडी, बदय रकुलु, उक्कातरी, शिरादी, उल्लाथ लथी, उक्का बुलल्ला, कोरदब्बू, उल्लाया, कोराधी, सीरी, मंत्री देवाथे, रक्तेश्वरी, इष्ट देवते, ओडित्याय इत्यादि। पंजुर्ली देव की भांति ही भारत में ऐसे कई देवता हैं जो कई समुदायों में तो विख्यात है लेकिन अन्य लोग उसके बारे में नहीं जानते। इस फिल्म के द्वारा उन्होंने पंजुर्ली देव से हमारा परिचय करवाया है। इसके लिए कंतारा फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए। यदि आप में से कोई कर्नाटक या दक्षिण भारत के हों जिन्हें पंजुर्ली देव के बारे में कुछ और पता हो तो वे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही dharmsansar.com पर प्रकाशित कर दिया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय पंजुर्ली देव।